हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार अनअकैडमी ऐप और यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूवी कंपटीशन चैनल लेकर हाजिर है डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। आज 1 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके कंप्लीट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज बीन कन्फर्म्ड विद द हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ बोलिविया कंडोर डी लॉस एंडेस इन इल ग्राडो डी ग्रान कॉलर ड्यूरिंग हिज विजिट टू बोलिविया। प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया इवो मोरालेसी अवार्डेड हिम द ऑनर एट ए फंक्शन हेल्ड इन सांता क्रूज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि 3 दिवसीय बोलिविया की यात्रा पर थे, उन्हें बोलिविया की यात्रा के दौरान बोलिविया के सर्वोच्च राज्य सम्मान कोंडोर डे लॉस एंडिज एन एल ग्रेडो डी ग्रॉन कॉलर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें सांता क्रूज में आयोजित एक समारोह में बोलिविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने उन्हें दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। स्विस बेस्ड एनआरआई साइंटिस्ट डॉक्टर राजेंद्र जोशी हैज बीन कन्फर्म्ड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। स्विस स्थित एनआरआई वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र जोशी को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज बिजनेस और इकोनॉमिक न्यूज व्यापार और अर्थव्यवस्था समाचार। The Finance Ministry has decided to keep the interest rate unchanged on small saving schemes for the 3-month period. Beginning April 1st, the announcement covers small saving schemes. वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाली 3 महीने की अवधि के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार, जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।